आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर हुआ मतदान, नक्सल प्रभावित बस्तर में लोगों ने वोट डाले। रायबरेली से सोनिया गांधी ने किया नामांकन दाखिल, राफेल पर राहुल का मोदी पर फिर हमला। ई टेंडर घोटाले में मामला दर्ज, नरोत्तम मिश्रा बोले ये कांग्रेस की पगले की कार्यवाही। वोटरों को लुभाने में लगे दिग्विजय सिंह, भोपाल में तालियां बजाकर नाचे दिग्विजय। और मध्य प्रदेश के मंत्री सज्जन वर्मा का बेतुका बयान, प्रधानमंत्री मोदी को कहा पाखंडी। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ मतदाताओं ने हौसला दिखाते हुए मतदान किया। मतदान के दौरान छिटपुट वारदातों के अलावा आंध्र प्रदेश में हिंसा में एक TDP नेता की मौत हो गई। पहले चरण के मतदान में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। देश में आज 91 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस मतदान की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि नक्सलवाद से जूझ रहे बस्तर में नक्सलियों की धमकी के बावजूद इलाके में बड़ी संख्या में मतदान हुआ। वहीं आतंकवाद से लड़ रहे जम्मू कश्मीर में भी मतदाताओं ने खासा उत्साह दिखाया। बस्तर के 4 विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडा में दोपहर 3 बजे के बाद मतदान थमा। बस्तर के ग्रामीण अंचल में भी आदिवासी कड़ी धूप में पैदल चलकर जज्बे के साथ वोट डालने आए। लोकतंत्र के खिलाफ रहे कोंडा एरिया कमेटी कमांडर अर्जुन व LOS कमांडर बेटी रामा नक्सली गतिविधियों में शामिल रहकर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वे लोकतंत्र के त्योहार की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर लोकसभा चुनाव में अपना दायित्व निभाते दिखे। नारायणपुर जिले के ग्रामीण अंचल में कड़ी धूप में महिलाएं अपने मासूम बच्चों के साथ मतदान करने पहुंची। निश्चित रूप से अभी जो हमारे सामने रिपोर्ट आ रहा है उसके अनुसार हमें ये पता है कि अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उत्साह साथ भरे हुए हैं। निश्चित तौर पे ये जो हमारा क्रम है मतदान का 7 दिन शुरू हुआ है, 2 दिन लेकर चलेगा और मेरा अनुमान है कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार इजाफा होगा। जो प्रतिशत है हमारे मतदान का प्रतिशत है, सभी क्षेत्रों में हमारे लोग गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने तैयारी की थी। स्वीप का कार्यक्रम हुआ था, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम हुआ था, सुरक्षा व्यवस्था हमने पूरी पुख्ता करके रखी, लोग महफूज महसूस कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 ऐसे राज्य जहां पहले चरण में ही चुनाव खत्म हो जाएगा, ये राज्य हैं अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और लक्षद्वीप। कश्मीर में बारामूला सीट में उड़ी में मतदान के लिए लंबी कतारें लगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के ताड़ीपात्री गांव में मतदान के दौरान हुई हिंसा में TDP नेता S भास्कर के मारे जाने की सूचना है। TDP ने YSR कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया है। उत्तर पूर्व के राज्यों में मतदान के लिए भारी उत्साह नजर आया। UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इस रोड शो में पार्टी के झंडे के अलावा 2 और अलग रंग के झंडे लहराए गए, एक नीले रंग का और दूसरा काले रंग का। नीले रंग का झंडा न्याय स्कीम के लिए और काले रंग का झंडा राफेल के खिलाफ लहराया गया। सोनिया गांधी अपने पारंपरिक लोकसभा सीट रायबरेली में नामांकन दाखिल करने गई थी। एक ओर मतदान की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी ओर UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी अपने पारंपरिक लोकसभा सीट रायबरेली में नामांकन दाखिल करने पहुंची। सोनिया के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। रायबरेली में उमड़े इस जनसैलाब से सोनिया गांधी के समर्थक पार्टी के झंडे के अलावा 2 अलग अलग रंग के झंडों के साथ नजर आए। कांग्रेस ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापिस पाने और BJP को मात देकर सत्ता में वापसी के लिए न्यूनतम आय योजना को मनरेगा के तर्ज पर लागू करने का ऐलान किया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने राफेल के मसले पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रमण किया। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दें
कि ये जो अनिल अंबानी है जो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, जिसको ये भाई कहते हैं, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? मोदी जी ये नहीं मुझे समझाएं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट अनिल को मिलेगा। प्लीज आंसर व्हाई अनिल अंबानी वाज गिवन 30,000 crores एंड आई एम रेडी फॉर अ ओपन डिबेट विद द प्राइम मिनिस्टर। 10 अप्रैल को अमेठी सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन भरने से पहले उन्होंने रोड शो निकाला। इस दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार था। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ सरकार जिसे ई टेंडरिंग घोटाला कह रही है, इसमें जब पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ है तो घोटाला काहे का। उन्होंने कहा कमलनाथ की करीबियों के यहाँ छापे पड़े तो उन्होंने यह कार्यवाही की है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडरिंग घोटाले में FIR दर्ज होने के बाद अब शिवराज सरकार के मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा, कुसुम मेहंदेले और रामपाल भी जांच के दायरे में आ गए हैं। जिन 5 विभागों के 9 टेंडरों में 3,000 करोड़ का ई टेंडरिंग घोटाला हुआ है, उन विभागों की जिम्मेदारी मेहंदेले, मिश्रा और रामपाल पर थी। EOW ने मामले में अज्ञात राजनेताओं पर FIR दर्ज की है। EOW के मुताबिक जल निगम और PHE में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है। दरअसल आयकर विभाग के छापेमार कार्रवाई के बाद अब MP सरकार एक्शन में आ गई है। EOW के ई टेंडरिंग घोटाले में कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम की तकनीकी जांच के आधार पर FIR दर्ज की है। इसके बाद पिछली सरकार के प्रवक्ता बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा ये बदले की कार्यवाही है, इसमें कोई घोटाला ही नहीं है। मेरे विभाग वाले टेंडर को हमें शिकायत भी नहीं मिली थी, हमने संदेह के आधार पर ही जब लेन देन हुआ नहीं, जमीन पर काम हुआ नहीं तो घोटाला का है। दरअसल आज से 4 दिन पहले जब आयकर विभाग ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी के OSD के यहाँ छापा मारा और उन OSD के DSD के यहाँ छापा मारा और DSD के CSD के यहाँ छापा मारा, तो वो जो एक लिंक थी जहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हुए और लगभग जो आयकर विभाग ने विज्ञप्ति जारी की 281 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन जिसमें बताया गया चल और अचल के रूप में, उसके ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए खिसियानी बिल्ली ने खम्मा नोच दिया और कुछ नहीं है। EOW की FIR सिर्फ यही है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है, अगर राजनेताओं के नाम आ रहे हैं तो EOW को नाम सार्वजनिक करने चाहिए। जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उसमें गबन को लेकर कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई। मिश्रा ने अधिकारियों को दबाव में काम न करने की नसीहत दी और कहा सरकारें आती जाती रहेंगी, आज उनकी है कल हमारी आएगी। हद हो गई नरोत्तम मिश्रा जी 2-2.5 महीने की बात कह के अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। कुल मिला के इनकी चारों तरफ से पोल खुल गई है। अगर मध्य प्रदेश का मामला देखें तो ई टेंडरिंग और अभी और चीजें आने वाली हैं। 2-4 दिन में आप बहुत से और मामले देखोगे, जितने भी घपले हुए हैं, चाहे उज्जैन का महाकुंभ का मामला हो, चाहे अवैध उत्खनन का मामला हो, जितने भी मामले एक एक करके सब खुलेंगे। चुनाव नेताओं से जो करवा दे सो कम है, ऐसा ही कुछ हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ। चुनाव जीतना है तो कहीं वे आम लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं तो कहीं डांस करते नजर आ रहे हैं। सामान्य तौर पर कांग्रेसी दिग्गज दिग्विजय सिंह को थोड़ा सख्त मिजाज नेता माना जाता है, लेकिन जब से भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन्होंने अपने आप को काफी बदलने की कोशिश की है। अब वह आम लोगों से आसानी से मिलते हैं और जैसा लोग चाहें वैसा ही वह करते नजर आते हैं। भोपाल के कोलार रोड पर दिग्विजय सिंह सिंधी समाज के कार्यक्रम में पहुंचे तो भगवान झूलेलाल के भजन चल रहे थे। जब लोगों ने तालियां बजाते हुए नाचना शुरू किया तो फिर क्या था, दिग्विजय सिंह भी शुरू हो गए। ये चुनावी मौसम है और जनता से वोट भी लेना है, ऐसे में दिग्विजय सिंह वह सब कर रहे हैं जिससे जनता में उनकी छवि ठीक हो जाए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोलकर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई
ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने। इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को पाखंडी कहा है। उन्होंने कहा, मोदी और शाह राजनीति में बदला लेकर लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन कांग्रेस इनसे डरने वाली नहीं है। लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पाखंडी करार दिया। उन्होंने कहा, संवैधानिक संस्थाएं और चुनाव आयोग भाजपा का हथियार बन गए हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के यहां इन लोगों ने छापे डलवाए, लेकिन वहां कुछ नहीं निकला। मैंने अपने बयान में मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के दो तानाशाह हैं। जितनी हमारी संस्थाएं हैं इस देश की, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे CVC हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट हो, इन सबको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भाजपा का हथियार बना लिया। उसमें मैं तो चुनाव आयोग का भी नाम लेता हूँ, उनको भी उन्होंने हथियार बना लिया। जो प्रधानमंत्री देश की एक एक जनता एक एक रियाया उसका परिवार होता है, लेकिन ये पाखंडी बदला लेने की कार्रवाई कर रहा है। लोगों को इतना प्रताड़ित करने की कोशिश करता है कि लोग या तो राजनीति छोड़ दें, लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत मजबूत हैं, सो झापे पड़े तो भी कुछ काला नहीं निकला। मुरैना में चुनाव से पहले लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। यहाँ लोगों ने अपने घर के बाहर लिख दिया है कि डोरबेल खराब है, इसीलिए मोदी मोदी चिल्लाएं। ऐसा करने वालों में अधिकांश लोग प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं और कुछ उनके विरोधी भी हैं। आम चुनाव के समय कुछ रोचक नज़ारे दिखाई देने लगे हैं। मुरैना शहर के रामनगर क्षेत्र में करीब आधा सैकड़ा घरों के दरवाजे पर लगे पोस्टर सभी को चौंका रहे हैं। दरवाजों के समीप पोस्टर पर लोगों ने प्रिंट कराया है, डोरबेल खराब है, कृपया दरवाज़ा खुलवाने के लिए मोदी मोदी चिल्लाएं। रामनगर निवासी गिरिराज शर्मा ने बताया कि उनके घर की घंटी खराब हो गई, तभी उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना कुछ हटकर किया जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी डोरबेल के नीचे कागज़ पर लिखवाया है कि डोरबेल खराब है, इसीलिए घंटी ना बजाएं बल्कि मोदी मोदी चिल्लाएं। इसी तरह मोहल्ले के ही दिनेश सिंघल ने बताया कि उनके घर की घंटी भी बहुत पहले खराब हो गई। जब उन्होंने गिरिराज शर्मा के यहां देखा तो उन्होंने भी अपने घर की दीवार पर लिखवा दिया। देखते देखते अब ये मुरैना में ट्रेंड बन गया है। मोदी मोदी की आवाज लगवाने वाले अधिकांश लोग मोदी के समर्थक हैं। संतनगर में चेती चांद महोत्सव के अंतिम दिन सिंधी गीत व संगीत भजनों पर सिंधी समाज के लोग भक्ति भाव से लीन होकर थिरकते हुए नजर आए। कटनी की मशहूर बालक मंडली के दिलीप उदासी व गोवर्धन उदासी ने अपनी आवाज से समा बांध दिया। चेती चांद की मधुर बेला पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से कटनी के मशहूर बालक मंडली के प्रमुख गायक दिलीप उदासी व गोवर्धन उदासी ने सिंधी भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 दिन से चल रहे चेती चांद महोत्सव के अंतिम दिन भगवान श्री झूलेलाल की मूर्ति को और झांकी को सजाया गया। कॉमेडी किंग मोहेश शिवानी ने अपने चुटकुलों से लोगों को भरपूर गुदगुदाया। ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है,
कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूंगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बदल बदल कर बाइक चलाने के शौक ने दो युवकों को बाइक चोर बना दिया, लेकिन इनके इस शौक ने इन्हें हवालात पहुंचा दिया। अब पुलिस को उम्मीद है कि इनसे कई बाइक चोरियों का खुलासा हो सकता है। जबलपुर की विजयनगर पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से दो चोरी की हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। बरगी तहसील में रहने वाले आरोपी पंकज चौहान और उदय धनेश्वर लंबे समय से मोटरसाइकिल को चुरा कर अपना शौक पूरा किया करते थे। पुलिस ने जब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ग्वारीघाट क्षेत्र में रहने वाले अपने साथी नितेश पटेल के साथ मिलकर शहर के विभिन्न इलाकों से खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर उसे चुरा लेते थे। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के बताए हुए ठिकानों पर दबिश देकर अब तक 6 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। दो व्यक्ति अल्फा मैरिज गार्डन के पास में चोरी की मोटरसाइकिल है होंडा साइन, जिसका नंबर भी उन्होंने बताया MP20MU2632। ये गाड़ी है और ये बेचने का प्रयास कर रहे हैं। थाना प्रभारी विजयनगर ने CSP साहब को सूचना दी। CSP साहब ने एक टीम बनवाया जिसमें माढ़ोताल से सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश भी थे और टीम ने मिलकर के वहां पे घेराबंदी की। घेराबंदी करके जो है उन दोनों को पकड़ा गया। तो उनके नाम जो है, एक है पंकज चौहान और दूसरा उदय घनेश्वर, दोनों बरगी थाने के सुकरी गांव के रहने वाले हैं। उनसे जब और पूछताछ हुई तो उनके द्वारा जो है 6 मोटरसाइकिलें और बरामद कराई गई हैं। इंदौर नगर निगम की टीम ने दो बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। सबसे पहले सड़क घेर कर रखे गए वाहनों को जब्त किया गया। शहर में कचरा फैलाने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। इंदौर में पहला मामला सपना संगीत रोड का है। यहां दुकानों के सामने सड़क पर अतिक्रमण कर रखी गई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। इस रोड पर सेकंड हैंड वाहनों की दुकानें हैं, जहां व्यापारी सड़क पर ही इन्हें पार्क कर रहे थे, जिससे रास्ते में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस कार्यवाही में बड़ी संख्या में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। दूसरी बड़ी कार्यवाही भगवती कॉम्प्लेक्स में हुई, जहां कचरा फैला पड़ा था। निगम के अधिकारियों के पहुंचते ही यहां दुकानदारों में हड़कंप मच गया। यहां कचरा फैलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। नरसिंहपुर विधायक जामल सिंह पटेल को आत्मसमर्पण के बाद जेल भेजा गया। जामल सिंह भाजपा सांसद और दमोह लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल के छोटे भाई हैं। मामला नरसिंहपुर के गांव सगौनी खुर्द का है, जहां कुछ दिन पहले अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान प्रशासन पर हुए हमले के मामले में विधायक जालम सिंह को आत्मसमर्पण करने के बाद जेल भेज दिया गया है। सागौनी में शासकीय भूमि पर कब्जा कर उपजाई फसल को जब्त करने गए पटवारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था, जिसमें पटवारी को गंभीर चोटें आई थी। इसी मामले के तहत शासकीय कार्य में बाधा डालने, ग्रामीणों को उकसाने सहित अन्य मामलों में जालम सिंह पर केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान विधायक जालम सिंह ने खुद ही कोतवाली थाने में आत्मसमर्पण किया। जालम सिंह ने इस सब पर कांग्रेस की साजिश करार दिया। कांग्रेस का तो जी चरित्र रहा और चेहरा और मध्यप्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और अनाचार हो रहा है, इसके प्रमाण हम सब देख रहे हैं। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कितने सहयोगी सब पर छापे पड़े और करोड़ों का पैसा निकला है। मैं समझता हूँ नरसिंहपुर जिले के जो कलेक्टर हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जिले में काम कर रहे हैं, कमलनाथ के एजेंट के रूप में, कमलनाथ के जो ऐसा मानता हूं कि करप्शन एजेंट के रूप में जिले में, संपूर्ण जिले में काम कर रहे हैं। इसके पहले जालम सिंह ने विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगाई थी, जो खारिज हो गई। जालम सिंह पटेल ने वर्तमान कलेक्टर दीपक सक्सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, अब इस मामले में सियासी रूप ले लिया है। जबलपुर पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो विभिन्न निजी कंपनियों की चालू और बंद सिमों की खरीद फरोख्त करा करते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से BSNL कंपनी के करीब 1000 चालू और बंद सिमों को भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस ने IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
जबलपुर पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसते हुए चार आरोपियों को पकड़ा है, जो देश की जानी मानी कंपनियों के मोबाइल सिमों को अवैध तरीके से खरीदकर बेचने का काम करते थे। पुलिस को शहर में काफी समय से फर्जी मोबाइल सिमों की खरीद फरोख्त की शिकायत मिल रही थी, लेकिन पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच नहीं पा रही थी। पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए अपने सूचना तंत्र को मजबूत किया और सौरभ सेन, रविन्द्र पटेल, विकास विश्वकर्मा और एडविन जैकब नामक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास पुलिस सैकड़ों की संख्या में मोबाइल सिम, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल सहित कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये रैकेट पकड़ा गया है, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये रैकेट मुख्य रूप से सिम एक्टिवेट करने का था, फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट करके बेची जाती थी। इसमें लगभग 500 के लगभग इसमें एक्टिवेटेड सिम बरामद की गई है और करीब 300-400 के लगभग इसमें एक्टिवेटेड सिम थी जो बंद हो चुकी है वो बरामद की गई है। अभी इस संबंध में हम उनसे और पूछताछ करेंगे कि ये सिम इन्होंने जो है जिसमें इसको दे रखी है उस संबंध में और अभी पूछताछ की जाएगी और इसका और कहाँ कहाँ किस किस अपराध में इनका जो इनके द्वारा जो सिम दी गई है उसका इस्तेमाल हुआ है तो उस संबंध में भी जो है इसमें पूछताछ करेंगे। पुलिस के आला अधिकारियों को शक है कि इन सिमों का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने में किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस चारों आरोपियों पर साइबर और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों से पूछताछ में अन्य जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 5 साल पहले आए थे हमारी खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुकमरका के पहाड़ी इलाके में नक्सल कैंप पर पुलिस ने धावा बोला। पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसके बाद नक्सली कुछ हथियार और भारी मात्रा में दैनिक उपयोग का सामान छोड़कर भाग गए। मानपुर के महाराष्ट्र सीमा से लगे मुखमरका की पहाड़ी के इलाके पर नक्सली कैंप के डेरे पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस को आता देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जबरदस्त मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने पहले ही रास्ते में आईईडी ब्लास्ट बिछा रखे थे। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली महाराष्ट्र के गढ़चिरौला सीमा की तरफ भाग खड़े हुए। पुलिस को नक्सलियों के कैंप से देसी रॉकेट लॉन्चर, AK-47 राइफल के खाली खोखे और बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग का सामान मिला। यह STF और DRG राजनंदगांव की संयुक्त कार्रवाई थी। हमारी जो पार्टी निकली हुई थी STF और DRG की पार्टी, जो मानपुर थाना के बुकमर का जंगल जो गढ़चिरौली सीमा से लगा हुआ है उसी ओर जो है एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई और सीलिंग की कार्रवाई कर रहे थे, तो इसी दरमियान नक्सलियों के कैंप देखा, जिसको पुलिस ने अपने जो घेराबंदी करके जो है उस पर धावा बोला, तो इसी दरमियान उनकी ओर से भी जो है फायरिंग हुआ नक्सलियों की ओर से और आईडी ब्लास्ट भी किए हैं। और जब देखे कि भाई पुलिस जो है भारी पड़ रहा है तो नक्सली पूरे जंगल और पहाड़ का आड़ लेकर जो भागने में सफल हो गए। और उस कैंप से जब हमने जो है फायरिंग के बाद जो सर्च किया तो वहाँ पर जो हमको जो है आपके जो 5-5 किलो के जो है आपके 4 जो है आईडी मिले हैं, जिंदा आईडी मिले हैं, उसी तरह 3 किलो का एक आईडी मिला है, पाइप बम मिले हैं, 2 जो जिंदा पाइप बम मिले हैं वो भी 5-5 किलो के आसपास हैं। उसके बाद में फिर जो आपका 3 बंडल वायर मिले हुए हैं, सोलर प्लेट मिला हुआ है,
तो और ऐसा लग रहा है कि वहां पर कम से कम जो 25-30 की संख्या में जो है माओवादी रहे होंगे। जो होशंगाबाद कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र दीवान ने शुभ मुहूर्त देखकर अपना नामांकन दाखिल किया। दीवान लाव लश्कर के साथ 15 तारीख को अपना डमी फॉर्म जमा करेंगे। ऐसा करने पर दीवान पर लोग किस्म किस्म की टिप्पणियां भी कर रहे हैं। होशंगाबाद लोकसभा के लिए बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले दिन महज कांग्रेस प्रत्याशी दीवान शैलेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी शैलेंद्र सिंह के पास नामांकन जमा किया। कांग्रेस प्रत्याशी सुबह 11:30 बजे से नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे। एक कार में 4 लोगों के साथ फॉर्म जमा करने पहुंचे दीवान ने कहा कि शुभ मुहूर्त होने के कारण आज उन्होंने अपना फॉर्म जमा किया है। अब 15 अप्रैल को लाव लश्कर के साथ डमी फॉर्म भरेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म के साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उसके मुताबिक दीवान शैलेंद्र सिंह पेशे से किसान हैं और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दीवान शैलेंद्र सिंह को हथियारों और आभूषणों का भी शौक है। नामांकन फॉर्म में दी गई जानकारी के अनुसार दीवान के पास 32 बोर एक रिवॉल्वर, एक 12 बोर की 2 नाली बंदूक और एक भरमार बंदूक है। इसके साथ ही उनके पास कुल 200 ग्राम सोने के आभूषण हैं। उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम सोने के और 2 किलो चांदी के आभूषण हैं। इसके साथ ही उन्होंने शेयर और विभिन्न पॉलिसियों में पैसा लगा रखा है। संत हिरदाराम नगर में जीव सेवा संस्था ने बच्चों को पशु पक्षियों के दाने पानी के लिए सकोरे और अनाज के पैकेट वितरित किए। भीषण गर्मी में पानी और दाने के अभाव में न जाने कितने पक्षी असमय मारे जाते हैं। सिद्ध भाव के मार्गदर्शन में संचालित जीव सेवा संस्था प्रतिवर्ष भीषण गर्मियों के दिनों में पक्षियों के दाना पानी एवं संत नगर के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को पशु पक्षियों के लिए पानी रखने के लिए पात्र वितरित करता है, जिसमें सकोरे और दाने के पैकेट निशुल्क बांटे जाते हैं। संत नगर के साधु वासवानी स्कूल में एक कार्यक्रम कर स्कूल के बच्चों को यह सामग्री बांटी गई। सिद्ध भाव ने बच्चों को पशु पक्षियों को बचाने के लिए प्रेरित भी किया। संत शिरोमणि हिरदाराम साहब के आशीर्वाद सिद्ध सिद्धभाव जी की प्रेरणा से साधु वासवानी स्कूल में पक्षी पक्षियों को दाना पानी देने के एक कार्यशाला एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बच्चों को यही संदेश दिया गया कि ये पशु पक्षी जो हैं जल न होने के कारण उनको आप अपने घरों में व्यवस्था करो। पाट दे दी गई है, दाना दे दिया गया है, उनमें इसके पीछे भाव क्या है, पक्षी पक्षियों को पानी मिलेगा, दाना मिलेगा, वो प्यासे और भूखे नहीं रहेंगे। उसके साथ ही बच्चों में जो एक सेवा भावना पैदा होगी, जिस प्रकार उनको मार के खाया जाता है वो बच्चे नहीं खाएंगे, उनमें एक करुणा और दया का भाव पैदा होगा। इसी प्रकार के आज का कार्यक्रम यही संदेश देते हैं कि पक्षियों पक्षियों पर दया करो और उनको दाना पानी दो और उनकी रक्षा करो और पर्यावरण को शुद्ध रखो। प्रतिवर्ष यह सामग्री संत नगर के विभिन्न स्कूलों में जीव सेवा संस्था उपलब्ध करवाती है। इस वर्ष भी यह सामग्री साधु वासवानी स्कूल के बच्चों को दी गई और उनसे कहा गया कि यह सामग्री और पानी भरकर अपने घर की छतों पर रख दें, ताकि इस गर्मी में पक्षियों को प्यासा और भूखा न रहना पड़े। चैत्र नवरात्र में सर्वत्र माता रानी की भक्ति की धूम मची हुई है। नवरात्रि के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया। चुनरी यात्रा में श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से हिस्सा लिया। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नवरात्रि के अवसर पर चुनरी यात्रा का आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने यात्रा निकालकर माता रानी को 151 फीट की चुनरी अर्पित की। यात्रा रोशनपुरा से प्रारंभ होकर काली माता मंदिर तक पहुंची। यात्रा से पहले माता की अर्चना की गई। चुनरी यात्रा भोपाल के विभिन्न मार्गों से निकलकर काली माता मंदिर पहुंची, जहां माता को चुनरी अर्पित करने के साथ ही इसका समापन हुआ। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। जे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तातादोबा प्रखंड की तरफ से यह आयोजन किया गया है। इसके संयोजक है जय माँ काला गणेश समिति। ये चुनरी यात्रा आगामी पहले पिछले 5 वर्षों से इसी रूप में निरंतर रूप से निकाली जा रही है और ये रोशनपन आकर बापी कुटिया के सामने हर वर्ष निकाली जाती है। आज माता रानी की चुनरी यात्रा 1 किलोमीटर की जय माँ कालका गणेशोत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तात्याडोबे प्रखंड की रोशनपुरा इकाई द्वारा निकाली गई। हम लोगों को बहुत हर्ष हुआ कि समस्त हिंदू समाज ने संगठित होकर एकता का प्रतीक दिया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चुनरी यात्रा में पधारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। जर्जर भोपाली सुनाएंगे अब आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, आज दिमाग खराब है मेरा, चाय वाय कुछ नहीं पिलाऊ। देखो, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। दंतेवाड़ा में नक्सली वो गाड़ी उड़ा दी, बताओ विधायक मर गए और 4-5 लोग और मर गए।
और मैं बता रहा हूँ इतनी मारामारी का शौक है काय को। अरे चुनाव लड़ो, अपने अधिकार लेना है तो यहाँ आओ, बढ़िया बंगलों में बैठो, इसी बंगलों में लोगों को मानने से कोई अधिकार मिल जाते हैं। और दूसरी खबर ये देख लो इधर पे, मैं टाइगर के पैर काट ले गए राधा पानी जंगल के वहाँ। और मैं बता रहा हूँ देखो, टाइगर नहीं बचेगा ना तो तुम भी नहीं बचोगे, जंगल नहीं बचेंगे, बता रहा हूँ मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा होश में रहो। और छापे में देखो ये जानवरों की खालें निकल रही है, कहीं हिरण की खाल, कहीं किसी की, और सर टंगे हुए हैं, कहीं हिरण के सामर की ट्रॉफियाँ टंगी हुई हैं। ये सब शौक रहा है जानवरों को मारने का, खुद की खोपियाँ टांगो बता रही हूँ। ये धार के बाद भैया मांडू में देखो एक बस गिर गई खाई में, वो तो अच्छा हुआ नीचे एक पेड़ था बड़ा, उस पर अटक गई है, सबकी है जाने बच गई बताओ। सबने संकल्प लिया है कि सब एक एक पेड़ लगाए, देखो पेड़ों की शक्ति देखो, पेड़ लगाया करो भैया। हाँ इसीलिए कहता हूँ मैं, वही दबंग 3 की शूटिंग चल रही है वहाँ माहेश्वर में, तो बता रही हूँ इनको परमिशन क्यों दे देती हो बताओ। ये मूर्ति की हाथ तोड़ दिया, रास्ता बांध दिया उससे, वही सलमान खान उस पर खड़े हो रहे हैं, वो शिवलिंग के ऊपर तखत खड़ा कर दिया, वहाँ डांस वांस चल दिया है। और मैं बता रही हूँ ऐसे जो मॉन्यूमेंट है अपने, वहाँ पे परमिशन दो ही मत, ये कितने कारीगरों ने कितनी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं, भाई इनका क्या है खराब कुरूप करके चले जाएंगे, ये तो चल दिया है। और भैया ये पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, और मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, बेचारे चाय चौं बंद हुई है, बेचारे जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, इनके ये लाउड स्पीकर ले लेकर वहाँ वहाँ करते रहते, बता रहे हैं बहुत दिमाग ख़राब है आज मेरा। भाई पर्चे वर्चे भर रहे हैं लोग, भैया राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया अमेठी से, भाई मोदी भी भरने वाले हैं 26 को मैंने सुना है, ये कमलनाथ ने भर दिए, और मेरा भी भैया मैं भी पर्चा भरने जा रहा हूँ, डॉक्टर के यार मेरा सर खराब हो गया है, वो पर्ची में डॉक्टर से भरवाऊंगा कुछ, हाँ गोलियाँ वगैरह लिखवाऊंगा, बता रहे हो कसम भोपाल की खा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।